फरीदाबाद में पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में सोमवार को मृतक के परिजनों के साथ मिलकर सैकड़ों लोगों ने फरीदाबाद के नागरिक अस्पताल बादशाह खान के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और न्याय की मांग की। मृतक शैकुल के परिजनों ने पुलिस पर शैकुल की मारपीट कर हत्या करने के गंभीर आरोप लगाए हैं और आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रही है। प्रदर्शन के दौरान इसके साथ विधायक और पूर्व मंत्री आफताब अहमद भी शामिल हुए, जिसके बाद पुलिस की ओर से आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया गया, जिसके बाद पीड़ित परिवार और प्रदर्शन कर रहे लोग मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर मृतक का पोस्टमार्टम करवाने पर राजी हुए। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट हो गई है, जो मुजरिम है वो खुलेआम घूमते हैं, निर्दोषों को पकड़ के अपहरण करके पुलिस पैसे की मांग करती है और इतनी निर्मम जो है पिटाई करती है जिससे उनकी जान चली जाती है। ये ताज़ा उदाहरण है और इसी के साथ साथ इसी पुलिसकर्मी पे इस तरीके के जो है कई मामले जिनमें मुकदमे भी दर्ज हैं इस तरीके का हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन और पुलिस जो है बचाती हुई नजर आ रही है, इंसाफ दिलाती नहीं। अब आप चाहते क्या है? हम चाहते हैं मुकदमा दर्ज हो, गिरफ्तारी हो और इस परिवार को इंसाफ दे। वही मामले में DCP नरेंद्र कादियान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज किया जा रहा है, जिस पर सहमति बनी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो मृतक के परिवार वालों ने जो शिकायत दी थी उस पर हमने FIR लॉन्च कर दी है और जो जिनके ऊपर एलिगेशन थे वो लाइन आगे कर दिए और अभी मजिस्ट्रेट साहब पोस्टमार्टम करवाने लग रहे हैं, कार्रवाई होने लगी है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद ही रेड वेडी देते हैं। कितने लोगों के खिलाफ हुई है FIR? अभी तो जो इन्होंने लिख के दिया उन सब पुलिस वालों के खिलाफ। और ये सभी लाइन आगे? हाँ, सब लाइन। बता दें कि 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद मृतक का मैजिस्ट्रेट की निगरानी में पोस्टमार्टम कराने पर सहमति बनी है। गौरतलब है कि 4 दिन पहले राजस्थान के अलवर से पूछताछ के लिए लाए गए फ्रॉड के मामले में आरोपी शैकुल की बीते रविवार को मौत हो गई थी। पंजाब केसरी TV के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।